एवरीवन सो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिक। सो आई नयन शिखराना वेलकम यू ऑल इन दिस वोकैब शो। ये क्लास हम डेली लाइव करने वाले हैं 9 PM पे, जिसमें हम द हिंदू के वोकैबुलरी न्यू वर्ड्स करेंगे एंड idioms एंड phrases करेंगे साथ में। उसके साथ हम न्यू मीनिंग सीखेंगे, न्यू वर्ड यूजेज सीखेंगे, synonyms, antonyms करेंगे, जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए। तो ये क्लास लाइक करना ना भूलें एंड शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ अपने। ओके, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं एक वर्ड से। तो वर्ड है एंटी इमिग्रेशन। एंटी इमिग्रेशन जो एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है हमारा। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन को क्वालिफाई करता है। एंड उसका मीनिंग क्या है? अपोज टू इमिग्रेशन, इमिग्रेशन से अपोज करना, लाइक अप्रवासन विरोधी की विरोध। तो सिनोनिम्स क्या हो गए? रेस्ट्रिक्टिव एंड एक्सक्लूजनरी। और एंटोनिम्स क्या हो गए इसके? प्रो इमिग्रेशन और वेलकमिंग की, बिल्कुल वेलकम करना किसी का। लाइक हिज एंटी इमिग्रेशन स्टैंस हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ डिबेट्स विद इन द कम्युनिटी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्रो ब्रेक्सिट। अगेन एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है इन फेवर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम लीविंग द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन छोड़ने के लिए यूनाइटेड किंगडम के फेवर में रहना, इसका सिनोनिम है यूरोस्केप्टिक। एंड एंटोनिम्स है एंटी ब्रेक्सिट, प्रो यूरोपियन यूनियन। द प्रो ब्रेक्सिट पॉलिटिशियन आर्ग्यू दैट लीविंग दैट द ईयू वुड रिटर्न कंट्रोल टू द यूके। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, स्कपर। तो एज अ वर्ब यूज हो रहा है टू कॉज समथिंग स्पेशली अ प्लान और पॉसिबिलिटी टू फेल। मीन्स कुछ ऐसा प्लान करना फेल की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो, पास होने की पॉसिबिलिटी नहीं, कि असफल कर देना। कि सपोज कोई फ्रेंड आपका कुछ अच्छा काम करने जा रहा है बट आपने कुछ ऐसा प्लान कर दिया कि वो फेल हो गया, तो असफल कर देना। सिनोनिम्स हो गए थ्वार्ट एंड फॉइल। एंटोनिम्स हो गए सपोर्ट और फैसिलिटेट। द अनएक्सपेक्टेड लीगल चैलेंज कुड स्कपर देयर प्लान्स टू एक्सपैंड देयर बिजनेस। ओके, तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेस्टेड, जो एज अ वर्ब यूज हो रहा है। फोर्सिबली पुल्ड समथिंग फ्रॉम समवन्स ग्रेस्प, मीन्स किसी से कुछ फोर्सिबली लेना, फोर्सफुली छीनना, कि अपना हक लेके नहीं बिल्कुल छीन लेना उसको। सिनोनिम्स सीज करना, जैसा कि आपने वर्ड सुना होगा कि वो सीज हो गई है, वो बिल्डिंग सीज कर दी गई है। स्नैच करना। एंटोनिम्स है सरेंडर कर देना, कि खुद से दे देना। यील्ड, She wrested the control of the company from the founding family. चलिए तो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स अगर आपको याद हो, मैंने शॉर्ट्स में आपको एक वर्ड दिया था पिलग्रिमेज, और बहुत से आपके स्टूडेंट्स ने उसका आंसर भी बताया था। तो पिलग्रिम्स होता है नाउन, पीपल हु जर्नी टू अ सेक्रेट प्लेस। सेक्रेट मीन्स क्या होता है? सेक्रेट मीन्स होता है होली, पवित्र। जो पवित्र जगहों पे जाते हैं फॉर सम लाइक तीर्थ यात्रा, तो तीर्थ यात्री होते हैं पिलग्रिम्स, जो जाते हैं। सिनोनिम्स हो गए डिवोटीज एंड बिलीवर्स, दोज हु बिलीव इन गॉड। एंटोनिम्स हो गए नॉन बिलीवर्स एंड टूरिस्ट, की तीर्थ यात्रा पे जस्ट फॉर फन दे आर गोइंग, नॉट फॉर सम रिलीजियस। सेंटेंस है एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स विजिट द श्राइन टू सीक ब्लेसिंग्स। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने अनऑथराइज्ड, एंड इसका मीनिंग आप सभी को पता है। अनऑथराइज्ड मीन्स क्या होता है? अनऑथराइज्ड मीन्स होता है अनाधिकृत, कि बिल्कुल उस पर अधिकार ना होना, जो एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। एंड नॉट हैविंग ऑफिशियल परमिशन और अप्रूवल, तो हम लीगली इसको सीज नहीं करते, हम उसको छीन लेते हैं। तो सिनोनिम्स हो गया इलीगल एंड अनलाइसेंस्ड। एंटोनिम्स हो गया ऑथराइज्ड एंड परमिटेड। He was fined for making unauthorized changes to the listed building. चलिए तो next word पे आते हैं, entrance. Entrance word बना है आपका entry से, जो as a noun use हो रहा है। People who enter a place or join a group or competition. As I told you कि entrance word जो आपका बना है वो बना है entry से, लेकिन as a noun use हो रहा है तो इसका means subject है कोई। तो ऐसे लोग जो एंट्री लेते हैं, दोज आर नोन एंट्रेंट्स। न्यूकमर्स और पार्टिसिपेंट्स, वेटरन्स एंड ओल्ड टाइमर्स, जो ऑलरेडी उस ग्रुप में है। द कॉम्पिटिशन इज ओपन टू ऑल न्यू एंट्रेंट्स दिस ईयर। नेक्स्ट वर्ड है रिचुअल्स, जो एज अ नाउन यूज होता है।
रिचुअल्स का हिंदी में मीनिंग आप समझो रीति रिवाज, कि बिल्कुल कोई आप कहीं, सब कल्चर के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो अ सेट ऑफ फिक्स्ड एक्शंस एंड समटाइम्स वर्ड्स परफॉर्म्ड रेगुलरली लाइक चैंटिंग फॉर दिस मंत्र स्पेशली एज अ पार्ट ऑफ दिस सेरेमनी, कि हर की हमारे यहाँ तो ये वाला रीति रिवाज होता है, उनके वो वाला रीति रिवाज होता है, तो सबके अलग अलग वो होते हैं रिचुअल्स। सिनोनिम्स सेरेमनीज, कस्टम्स। एंटोनिम्स इम्प्रोवाइजेशन एंड रेंडमनेस, की रेंडमली कुछ भी कर रहे हैं विदाउट एनी रिचुअल्स। द विलेज एनुअल रिचुअल्स इंक्लूड अ डांस अराउंड द बोन फायर। ओके, अब वर्ड है आपका ब्लू कॉलर वर्कर्स। एक वर्ड आपने सुना होगा व्हाइट कॉलर वर्कर। व्हाइट कॉलर वर्कर कौन होते हैं? जो मैनेजर लेवल पे होते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं। ब्लू कॉलर वर्कर्स क्या हो गए? ब्लू ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं लेबर लोग, श्रमिक। वर्कर्स हु परफॉर्म मैनुअल लेबर मीन्स जो डे टू डे लेबर करते हैं, जैसे ईंटें उठाना, ये सब काम करना, वो होते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स। सिनोनिम्स क्या हो गया? लेबरर्स, मैनुअल वर्कर्स। एंटोनिम्स व्हाइट कॉलर वर्कर्स और प्रोफेशनल्स। द स्ट्राइक वॉज लेड बाय ब्लू कॉलर वर्कर्स डिमांडिंग बेटर वेजेस, क्योंकि वो डे टू डे इनकम अर्न करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बेटर वेज डिमांड करते हैं। लास्ट वर्ड है लर्च, जो एज अ वर्ब यूज होता है, मेक एन अप्रप्ट अनस्टेडी अनकंट्रोल्ड मूवमेंट और सीरीज ऑफ मूवमेंट्स, की स्टैगर होना। स्टैगर का भी वर्ड हमने सीख चुका है शॉर्ट में, कि लड़खड़ाना, कि मूवमेंट सीधे से नहीं चल पाना। सिनोनिम्स हो गए स्टैगर, स्टम्बल। एंटोनिम्स हो गए स्टेडी एंड स्टेबलाइज। द शिप लर्च्ड वायलेंटली इन द स्टॉर्मी सी। ओके, तो अब हम करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। पहला इडियम है आपका थॉर्न इन द साइड। थॉर्न मीन्स क्या होता है? थॉर्न मीन्स होता है कांटा। अब साइड में कांटा है, क्या समझोगे? अ पर्सन और थिंग दैट रिपीटेडली अनॉय समवन और समथिंग और कॉजेस प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो थॉर्न इन द साइड कैसे याद करेंगे हम? थॉर्न से, कि कोई भी कोई कांटा चुभ गया अगर आपके हाथ में या पैर में, तो वो हमेशा आपको प्रॉब्लम करता रहता है, अनॉय करता रहता है वो आपको। तो वही एक ऐसा पर्सन जो बार बार अनॉय कर रहा है। सपोज आप बैंक के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोई ऐसा पर्सन या कोई फ्रेंड बार बार बोल रहा है, अरे तुम तो कर ही नहीं पाओगे, अरे कंपटीशन ही इतना टफ है, तो वो होता है थॉर्न इन द साइड। तो उसको हटाई दो, साइड ही कर दो। ठीक है, चलो इन द लर्च। अब लर्च का मीनिंग हम पढ़ चुके थे, तो अब क्या है? टू लीव समवन विदाउट हेल्प और प्रोटेक्शन व्हेन इट इज नीडेड। ये बिल्कुल अपोजिट हो गया थॉर्न इन द साइड का, कि किसी को आपकी हेल्प की जरूरत है बट आपने छोड़ दी उसको, कि हेल्प ही नहीं किया। इन द लर्च मीन्स मिडिल में छोड़ दिया, बिल्कुल मिड में। नेक्स्ट है बेयर द कॉस्ट। बेयर द कॉस्ट मीन्स होता है कि कुछ ऐसा काम आपने कर दिया जिसका रिजल्ट आपको पता था कि गलत होने वाला है, बट यू हैव टू बेयर द कॉस्ट नाउ, कि अब उसका खामियाजा भुगतना होगा। To pay for something or to carry the burden of an expense. Okay, so last idiom है हमारा spotlight on. Spotlight का meaning क्या होता है? Spotlight कब पड़ दिया कि उस पर focus हो रहा है, तो spotlight का on का meaning है focus attention on someone or something highlighting them. कि किसी चीज़ को हमें highlight करना है या उस पर focus करना है, तो हम phrase use करते हैं spotlight on. And next phrase है आपका डॉन्टिंग टास्क। अ टास्क दैट सीम्स डिफिकल्ट और फ्राइटनिंग टू एकम्प्लिश। अब ये आप इस वर्ड से याद करें कि डॉन्टिंग बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा है ना, कि अजीब टाइप का, तो ऐसा कोई टास्क जो लग रहा है कि आपको डिफिकल्ट है या नहीं हो पा रहा है। तो अब कल से जुड़ना ना भूलें हमारे साथ, जिसमें हम वोकैबुलरी के न्यू वर्ड्स करेंगे एंड डेली इडियम्स फ्रेजेस करेंगे, एंड शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।